बयान सामने आया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। जी मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे तो सबको पता लगेगा। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहाँ जुड़ने का। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि कन्हैया पंचकुला से बीजेपी का टिकट चाह रहे थे, हालांकि उनका कहना है कि वो कभी बीजेपी में थे ही नहीं। खैर, जो बीजेपी में था ही नहीं, भला पार्टी उसे क्यों मनाएगी। लेकिन बीजेपी जिसे अपना मान रही है और जिसकी बगावत से चुनाव में नुकसान का डर है, उसके यहाँ नेता हाजिरी लगा रहे हैं। केंद्र मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर रविवार को करनाल में पूर्व मेयर रेणु बाला के घर गए थे। रेणु बाला करनाल सीट से टिकट चाह रही थी, लेकिन निराशा हाथ लगी और बागी तेवर अपना लिए। उन्हीं को मनाने खट्टर पहुंचे थे। उन्होंने भी माना कि हालांकि मेरिट के आधार पर नाम बनता था, 10 तारीख की एक मीटिंग हमने अपने समर्थकों की, एक कार्यकर्ताओं की रखी है और उनसे कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के जो विचार होंगे उन्हीं के हिसाब से मैं अपना अंतिम फैसले को रोक दूंगा। करनाल सीट से अभी नायब सिंह सैनी एमएलए, खट्टर भी यहीं से चुनाव लड़कर जीतते रहे हैं। पार्टी ने जगमोहन आनंद को टिकट दिया है, जिससे रेणु खुश नहीं। ये मनाने का विषय नहीं है, हमारा अपना एक परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे। हरियाणा में टिकट बंटने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बगावत है। हालांकि ज्यादा परेशानी बीजेपी की है क्योंकि वो अभी सत्ता में है। बीजेपी ने 67 उम्मीदवार उतारे हैं और 29 सीटों पर विरोध है। कांग्रेस ने 41 उम्मीदवार घोषित किए हैं, 5 सीटों पर बगावत है। हालांकि कांग्रेस में विरोध उस स्तर का नहीं है जिस तरह का विरोध बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे आदित्य चौटाला बीजेपी छोड़कर INLD में शामिल हो गए हैं और आज उन्होंने डबवाली सीट से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भी भर दिया। आदित्य चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई जगदीश चौटाला के बेटे हैं। रेवाड़ी में पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव टिकट न मिलने से बागी हैं और एक दो दिन में फैसला लेने की बात कहकर आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता और RSS से जुड़े लोग डैमेज कंट्रोल की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।